हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ये बड़े आकार का कलियों वाला डोरमेट। तो देखिए, मैंने इसे 3 कलर्स में बनाया है और कुल मिलाकर 13 नॉट्स में इसे मैंने बनाया है। तो काफ़ी बड़े साइज़ का ये बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइन है और इस तरह से इसके जो है थिकनेस है, आप देख पा रहे होंगे। इसे मैंने ऊल से बनाया, आप चाहे तो इसे साड़ी से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए पीछे वाली साइड ये है, ये जो है मैंने धागा ज्वाइन किया था इसलिए ये पीछे की तरफ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं हर बारी इसी ऊल से जो है कट करती हूँ और बुनती हूँ डिफरेंट से डोरमेट, इसलिए ये धागा मेरा कट हो चुका है। तो ये देखिए ये अगली साइड है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। आप इसे दोनों साइड से भी यूज कर सकते हो बिल्कुल ही। तो आप इसे देख पा रहे हो कि कितना फिनिशिंग के साथ इसे मैंने बनाया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ली है मैंने 6 नंबर की स्टिक और ये देखिए बेबी उल है, इसे मैंने 3 धागे एक साथ लिए हैं क्योंकि ये बेबी उल है, मोटा उल नहीं है, इसलिए आप इसे साड़ी से भी बना सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे डबल नॉट लगा कर यहाँ पर फिक्स कर देंगे। अब जैसे कि हम स्टार्टिंग के नॉट लगाते हैं इस तरह से, सेम इसी तरह से हमने जो है स्टार्टिंग के नॉट यहाँ पर लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर रेड नॉट जो है 14 लिए हैं स्टार्टिंग के नॉट, और आगे भी हम अगले वाले धागे ज्वाइन करेंगे जो कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर 14 नॉट यहाँ पर लगा लिए हैं। अब हम इसके आगे जो है वाइट कलर का नॉट यानी कि धागा ले लेंगे और उसे ज्वाइन करेंगे, और उसके मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर 12 नॉट यहाँ पर लिए स्टार्टिंग के इस तरह से, जैसे कि हम डोरमेट की शुरुआत करते हैं उसी तरह से ये डोरमेट की जो है शुरुआत है। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, 12 नॉट जो है वाइट कलर के धागे से लेने हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रीन धागे को ज्वाइन करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रीन धागा जो है सेम उसी तरह से डबल नॉट लगाकर हमने जो है इसे ज्वाइन करना है और इसके मैं 4 नॉट जो है ले लेती हूँ। तो ये देखिए रेड कलर के मैंने 14 नॉट लिए हैं, वाइट कलर के मैंने 12 नॉट लिए हैं और ग्रीन कलर के जो कि लास्ट है तो उसके हम क्या करेंगे 4 नॉट यहाँ पर ले लेंगे। तो कुल मिलाकर ये है 13 नॉट का डोरमैट बन के रेडी हो जाएगा यानी कि पायदान। तो काफ़ी बड़ा ये दिखाई देगा। तो ये देखिए लास्ट के ये 4 नॉट मैंने यहाँ पर ग्रीन धागे के ले लिए हैं। ये देखिए ये रेड, वाइट और ग्रीन इस तरह से हमने लिए हैं, रेड 14, वाइट 12 और ग्रीन 4। अब इस तरह से जैसे कि हम हर डोरमेट को बुनते हैं सेम उसी तरह से हमने इसे बुनना है। इस तरह से धागे को लपेटते स्टिक को नीचे की तरफ हम निकाल लेंगे। और ये देखिए सेकेंड नॉट में भी स्टिक को कुछ इस तरह से डालते हुए धागे को लपेटते और नीचे से हमने निकाल लेना है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सभी जो ग्रीन नॉट है उसे हम ग्रीन धागे से बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये ग्रीन धागा आपको सेपरेट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ग्रीन और वाइट धागे को कुछ इस तरह से क्रॉस करेंगे हम ताकि ये छूटे ना या सेपरेट ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, वाइट नॉट जो है वो वाइट धागे से ही बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, वाइट जो नॉट दिखाई दे रहा है उसे हम वाइट धागे से ही बुनेंगे। और ये अगर कुछ इस तरह से सेपरेट हो जाए यानी कि इस तरह से ग्रीन धागे को हम नीचे से खींचकर इसे पास भी ला सकते हैं। अब हम सभी वाइट नॉट्स जो है बुन लेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला एक वाइट नॉट बचेगा उसे हम वाइट धागे से नहीं बल्कि अगले वाले रेड धागे से बुनेंगे जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट ही रो है, हम ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आ रहे हैं। और हमने अब तक क्या किया, तो सभी नॉट को जिस कलर के नॉट है उसी कलर के धागे से बुनते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने वाइट नॉट जो है वो बुन लिया और ये लास्ट वाला भी बुनेंगे और एक बच्चा है। और ये जो लास्ट वाला वाइट नॉट दिखाई दे रहा है ये देखिए
यहाँ से हमने क्या किया, धागे को यहाँ पर क्रॉस किया और नीचे की तरफ बुनते हुए आए हैं। और ये जो लास्ट वाला व्हाइट नॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ हमने अगले वाले रेड धागे से बुनना है। तो ये देखिए, इसे हम ये रेड धागे से बुनेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक व्हाइट नॉट जो है वो रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि रेड उसे बना रहे हैं। तो इसी तरह से जो है कली को ऊपर की तरफ जाते हुए हम जो है दिखाई देता है, वो इसी वजह से हमारी कली जो है ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हम क्या करते हैं हर रो में एक वाइट, नीचे का वाइट जो नॉट है उसे हम रेड में कन्वर्ट करेंगे। आप सभी नॉट बुनते हुए हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन ये सर्कल डोरमैट है तो इसकी इसी वजह से हमने क्या करना है, नीचे से भी दो नॉट यहाँ पर छोड़ने हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और वो भी हमने हर रो में ही करना है। तो इसी तरह से हमने जो है हर रो बुननी है। तो जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, हम क्या करेंगे, ग्रीन और वाइट नॉट को जो है, यानी धागे को जो है क्रॉस कर लेंगे, ताकि ये छूटे ना। वाइट नॉट जो बुनते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और ये एक जो लास्ट वाला वाइट नॉट बचा है उसे हम क्या करेंगे, रेड धागे से बुनेंगे। और नीचे की तरफ आते हुए हम क्या करेंगे, दो नॉट बिना बुने ही छोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये दो नॉट दिखाई दे रहे हैं, उसे हम बुनेंगे नहीं, बल्कि धागा यही से पलटते हुए हम पीछे की साइड आ जाएंगे और पीछे की साइड बुनाई शुरू करेंगे। पीछे की साइड बुनते हुए हमने कुछ भी नहीं करना है, जिस कलर का नॉट है हम उसी कलर के धागे से ही बुनेंगे। तो ये देखिए, हम नीचे से ऊपर की तरफ बुनते हुए जा रहे हैं। हम नीचे से हमने क्या किया, सिर्फ दो नॉट छोड़े बिना बुने हैं। वही से धागे को पलटते हुए हम क्या करें, नीचे से ऊपर की तरफ बुनते हुए जा रहे हैं। अब ये देखिए, रेड वाले नॉट जो है वो रेड धागे से बुनेंगे। अब हम नीचे से ऊपर जाते हुए, यानी कि पीछे के साइड जाते हुए हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनना है, सिर्फ इतना ही करना है। तो देखिए, यही से मैंने क्या किया, वाइट कलर का नॉट भी आगे की तरफ कर लिया, और ये जो वाइट नॉट दिखाई दे रहे हैं अब हम ये वाइट कलर के धागे से बुनेंगे। और उसी तरह से हम क्या करेंगे, ग्रीन को भी बुनेंगे। तो ये देखिए, सभी वाइट जो नॉट है मैं बुन रही हूँ वाइट धागे से। सिंपल है, सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, रो पे रो बुनते हुए चले जाएंगे, और आप हमारी जो है हाफ कली बिल्कुल ही बुन के रेडी हो जाएगी। सेम इसी तरह से ही बुनना है। डिज़ाइन जो है, जो भी हमने कुछ करना है वो जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आएंगे तब करेंगे, पीछे की साइड हमने कुछ भी नहीं करना है। पीछे से सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ बुनते हुए जाएंगे, जिस ही कलर का नॉट है उस कलर के धागे से, सिर्फ इतना ही हम प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, ग्रीन जो नॉट है वो भी मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं। तो इस तरह से हम इसे बुन रहे हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर से नीचे बुनते हुए आए, यहाँ पर क्रॉस किया, नीचे का एक वाइट धागा था वो रेड में कन्वर्ट किया, नीचे आए, नीचे से दो नॉट बिना बुने ही छोड़े, यही से धागे को पलटा, पीछे के साइड जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुना। सेम इसी तरह से हम अब सेकंड रो भी बुनेंगे। तो देखिए, ग्रीन कलर के नॉट जो है ग्रीन धागे से हम बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ तक, यहाँ से हम क्या करेंगे, वाइट कलर के धागे को आगे की तरफ कर लेंगे, और ये जो वाइट नॉट दिखाई दे रहे हैं इसे हम इस तरह से फंसाएंगे, और ये वाइट कलर के नॉट वाइट धागे से ही बुनेंगे। तो सभी नॉट हमने वाइट कलर के धागे से नहीं बुनने हैं, बल्कि नीचे का एक वाइट कलर का नॉट फिर से हम क्या करेंगे, रेड धागे से बुन लेंगे। तो ये देखिए, सभी जो है मैं बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये वाला भी, ये देखिए लास्ट वाला वाइट नॉट बचा है, तो ये इसे हम क्या करेंगे, रेड धागे को आगे की तरफ कर लेंगे, और ये जो है वाइट कलर का नॉट इसे हम क्या करेंगे, रेड धागे से ही बुन लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, सभी रेड जो नॉट दिखाई दे रहे हैं उसे हम बुनते हुए नीचे की तरफ आएंगे,
लेकिन फिर से उसी तरह से जिस तरह से हमने नीचे से दो नॉट बिना बुने ही छोड़े थे, सेम उसी तरह से इस रो के भी दो नॉट बिना बुने ही छोड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट रो के दो और इस रो के दो, यानी कि कुल मिलाकर फोर नॉट छोड़ेंगे। तो इसी तरह से हर रो के हमने नीचे से दो नॉट छोड़ने हैं, तो उसे बुनना नहीं है, बिना बुने ही छोड़ देंगे। ये देखिए ये दो और ये दो, फोर रो फोर नॉट जो है बिना बुने ही छोड़ दिए। और इसे धागे को पलटते हैं हम पीछे की साइड आए, और इस इधर की साइड हमने कुछ नहीं करना है, जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनना है। तो यहाँ पर मैं बुन लेती हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। तो सेम इसी तरह से हमने हर रो बुनी है। जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे क्या करेंगे, ग्रीन और वाइट धागे को क्रॉस कर देंगे, वाइट नॉट बुनते हुए नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन लास्ट वाला वाइट नॉट जो है वो हम रेड धागे से बुनेंगे। उसके बाद नीचे आते हुए हम क्या करेंगे, दो नॉट छोड़ते हुए वही से धागे को पलटेंगे, बिना बुने ही दो नॉट छोड़ेंगे, वही से धागे को पलटेंगे, पीछे की साइड जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनेंगे। सेम इसी तरह से मैं इसे बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाते होते। ये देखिए यहाँ पर मैंने हाफ कली जो है वो बुन ली है और पीछे की साइड इस तरह से दिखाई देगी। तो इसी तरह से हम जो है बुनते हुए हमारी हाफ कली जो है बनके रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए ये जो कि ग्रीन धागा है जो कि बॉर्डर में लिया है, और सिर्फ यहाँ पर हमने क्या किया, धागे को फंसाया है, और नीचे से जो व्हाइट कलर का नॉट था वो हमने क्या किया था, रेड में कन्वर्ट किया था, इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और बिना बुने हर रो के हमने क्या किए थे, नीचे से दो दो नॉट छोड़े थे, तो ये जो नॉट है वो इसी तरह से नीचे से दो दो करते मैंने हर रो बुन ली है। तो यहाँ तक मैंने इसे बुना है, यहाँ तक है हमारी रो बुनी हुई, क्योंकि यहाँ पर दो ही नॉट मेरे स्टिक में बचे थे इसलिए यहाँ तक ही इसे मैं बुन पाई। तो यहाँ तक जो कि मेरा थंब दिखाई दे रहा है वहाँ तक मैंने नीचे से दो दो नॉट करके छोड़ा है। तो इस तरह से ये बुन के रेडी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, कली की दूसरी साइड बुनना शुरू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने नीचे से दो दो नॉट करते छोड़े हैं, तो यहाँ तक हम फिर से बुनते हुए आ जाएंगे। तो ये देखिए अब ये हमारे कली की दूसरी साइड यहाँ पर बुन रही हूँ मैं। तो उसी तरह से जैसे कि फोर नॉट ग्रीन कलर के धागे से मैं बुन लूंगी, ये बॉर्डर के हैं। और अब हम क्या करेंगे, यही से वाइट नॉट को जो है धागे को आगे की तरफ कर लेंगे, फिर से हम क्या करेंगे इसे फंसाएंगे, यह हमें हर बार ही करना है। और वाइट नॉट जो है वो वाइट धागे से बुन लूंगी, लेकिन जो अगला वाला एक रेड नॉट जो है उसे हम व्हाइट धागे से बुनेंगे। देखिए फर्स्ट वाला रेड नॉट दिखाई दे रहा है, इसे हम व्हाइट धागे से बुनेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कली को अब नीचे की तरफ बुनते हुए आ रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे इस रेड जो नॉट को है व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे, ताकि ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे। अगला वाला जो रेड कलर का नॉट है वो रेड कलर के धागे से बुनेंगे, जहाँ तक हमने नॉट को छोड़ा था। तो यहाँ तक मैंने दो दो करके नीचे से नॉट छोड़े थे, तो ये इसी धागे को मैंने पलट लिया पीछे की साइड, और पीछे की साइड से उसी तरह से जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से हम बुनेंगे। तो इसी तरह से हम जो है कली को नीचे की साइड जो है बुनते हुए चले जाएंगे। तो उसी तरह से हमने बुनना है एक, अब क्या करना है नीचे की तरफ जाते हुए एक एक वाइट नॉट को जो है ऐड करते हुए जाना है, और नीचे दो दो नॉट लेते हुए हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने नीचे से दो दो नॉट छोड़े हैं उसी तरह ऊपर से दो दो नॉट लेते हुए हम अब कली को नीचे की तरफ ला रहे हैं। तो अगर आई होप आपको ये कली समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो मेरे चैनल पे कली वाली वीडियो बहुत सारी हैं, आप वो भी जाके देख लीजिएगा। लेकिन चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए एक रो मैंने यहाँ पर बुन के दिखाई, अब हम सेकेंड रो बुनेंगे। तो यहाँ तक मैंने बुना है और ये से धागे को पलटा था, अब उसके बाद दो नॉट और ऐड करेंगे नीचे से। तो देखिए ग्रीन कलर का धागे से फिर से हम क्या करेंगे, फोर ग्रीन कलर के नॉट यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से, फिर से वाइट कलर का धागा आगे की तरफ कर लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे हम क्रॉस कर देंगे दोनों को इस तरह से।
और ये वाइट कलर के नॉट हम वाइट धागे से बुन रहे हैं। लेकिन अगला वाला एक रेड नॉट जो है फिर से हम क्या करेंगे, वाइट धागे से बुनेंगे। तो ये देखिए हमारे पास कितने वाइट 4 नॉट हो चुके हैं। अब फिर से रेड वाले धागे को आगे की तरफ करते हुए और नीचे के रेड जो नॉट दिखाई दे रहे हैं वो हम रेड धागे से ही बुनेंगे और दो नीचे। ये देखिए यहाँ तक हम सेकेंड गैप यहाँ तक था, तो ये इसे धागे को पलटेंगे और ये पीछे की साइड फिर से हम क्या करेंगे, जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दो दो नॉट करते हुए फिर से रो को हम नीचे की तरफ बुनते हुए ला रहे हैं। सेम उसी तरह से हमने क्या करना है, नीचे बुनते हुए कली को लेके आना है। सेम इसी तरह से पीछे की साइड उसी तरह से बुनी है जिस तरह हम हर रो में बुन रहे हैं। सिर्फ कली को क्या करना है, नीचे की तरफ लाते हुए हम क्या करेंगे, ग्रीन और वाइट धागे को क्रॉस कर देंगे, जो कि एक फर्स्ट जो सभी वाइट धागे नॉट को हम बुनते हुए नीचे की तरफ आएंगे और एक जो फर्स्ट वाला रेड नॉट है उसे हम क्या करेंगे, वाइट में कन्वर्ट करेंगे। और वाइट रेड नॉट बुनते हुए हम क्या करेंगे, धागे को पलटते हुए पीछे के साइड से जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनेंगे। इसी तरह से हमने किया है। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे बुना है, यहाँ तक ये दिखाई दे रहा है। अब फिर से ये दो ये दो ये दो हर रो में ये दो दो नॉट लेते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। जिस तरह से हमने पहले दो दो करके नीचे से छोड़े थे उसी तरह दो दो करके हम नीचे की तरफ आएंगे। देखिए थोड़ी कली आपको नीचे की तरफ जाती हुई भी यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। तो इसी तरह मैं वहाँ पर बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कली कैसे बुन के दिखाई देती हैं। तो इसी तरह से ये कली दिखाई दे रही है हमें। तो जिस तरह से स्टार्टिंग के 30 नॉट थे सेम उसी तरह से 30 नॉट स्टिक में मेरे हैं, यानी कि रेड 14 वाइट 12 और 4 जो है ग्रीन, सेम उसी तरह से है। तो ये देखिए इस तरह से पीछे वाली साइड है हमारी। तो ये देखिए ये जो रेड ये ग्रीन वाला है वो बॉर्डर में दिखाई दे रहा है। हमने स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, सभी जो है वाइट नॉट बुने थे लेकिन एक जो लास्ट वाला वाइट था वो हमने रेड में कन्वर्ट किया था। इसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह नीचे से हमने दो दो नॉट छोड़े थे उसी तरह हमने क्या किया, ऊपर से दो दो नॉट लेते हुए नीचे की तरफ हम आए। ये देखिए इस तरह से, और ये दिखाई दे रहा है हमें। इस तरह से हम कली को कली जोड़ते हुए डोर मैट भी बुन लेंगे, यानी कि बना लेंगे। तो ये कुल मिलाकर 7 कली का बुन के रेडी हो चुका है। तो सिंपल है, जिस तरह से कली मैंने बनाई है सेम उसी तरह से कली को कली जोड़ के हुए हमें कलियाँ बनानी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बना ली है। अब हम इसे एंडिंग करना बताती हूँ आपको। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसकी एंडिंग करेंगे ताकि ये छूटे ना नॉट हमारे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर के धागे को लेंगे और ये स्टार्टिंग में जो दो ग्रीन कलर के नॉट उठाएंगे हम एक ही साथ एक ही स्टिक में, और इसे एक ही धागे से लपेटेंगे। ये देखिए दो नॉट को हम यहाँ पर एक बना दे रहे हैं। बुना हुआ नॉट फिर से हम क्या करेंगे, आगे की स्टिक में डालेंगे इस तरह से, और अगला वाला और ये वाला एक नॉट फिर से हम इन दोनों को एक साथ ही बुन लेंगे। फिर से बुना हुआ आगे की स्टिक में डालेंगे और दो नॉट एक साथ लिंग लेंगे। यही से हम क्या करेंगे, वाइट धागे को आगे की तरफ कर लेंगे, ये बुना हुआ नॉट फिर से आगे की स्टिक में डालेंगे, फिर से दो नॉट ले लेंगे एक साथ और उसे एक ही धागे से बुन लेंगे। देखिए इस तरह से बुना हुआ नॉट फिर से आगे के स्टिक में डालना है, दो धागे को एक ही साथ बुन लेना है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, नीचे तक यह इसे बुनेंगे। तो हर डोरमेट की एंडिंग कुछ इसी तरह से होती है। ये मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये इसे धागे को कट करते हुए यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा लेंगे और ये सभी जो दो नॉट धागे दिखाई दे रहे हैं इन्हें भी हम कट कर लेंगे और नॉट लगा लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस डोरमैट को इस तरह से ऐसे पकड़ के इसे आप सिलाई लगा लेंगे। आप उल से भी, उल के धागे से भी इसे सिलाई लगा सकते हो ताकि ये छूटे ना, और हमारा डोरमैट बिल्कुल ही बुन के रेडी हो चुका है। तो सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।